हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं दी आइकॉनिक गोल्डबर्ग के बारे में। गोल्डबर्ग WWE की हिस्ट्री के सबसे बड़े डोमिनेट सुपरस्टार हैं और गोल्डबर्ग को WWE में सिर्फ कुछ ही सुपरस्टार सरा पाए हैं। गोल्डबर्ग WWE में बस इतनी बार हारे हैं कि गिनतियों में तो अपनी उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन रेसलरों के बारे में जिन्होंने गोल्डबर्ग को अपने सबमिशन लॉक से हरा रखा। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि WWE से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग खबरें आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, साल 2000 के फॉल ब्रॉल पेपर व्यू में गोल्डबर्ग और स्कॉट स्टेनर आमने सामने थे एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में, जहां गोल्डबर्ग स्कॉट स्टेनर के सबमिशन मूव स्टेनर एक लेनर से दो बार बचे। और जब गोल्डबर्ग उस मैच को जीतने वाले होते हैं तब उस समय के प्रेसिडेंट विंस रूसो आते हैं और गोल्डबर्ग पे बेसबॉल बैट से अटैक कर देते हैं, जिसके बाद स्कॉट स्टेनर गोल्डबर्ग को अपने लॉक स्टेनर एक लेनर में डाल देते हैं, जिसके बाद गोल्डबर्ग सबमिशन से बच नहीं पाते और नॉकआउट हो जाते हैं और वो मैच स्कॉट स्टेनर जीत जाते हैं। और इसके बाद वो इकलौते ऐसे सुपरस्टार बन जाते हैं जिन्होंने गोल्डबर्ग को अपने सबमिशन के द्वारा हरा रखा है। तो गाइस, गोल्डबर्ग को WWE में सिर्फ एक रेसलर ने हराया है अपने लॉक से, और वो भी चीटिंग से। तो गाइस, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।